सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 11वें स्थापना दिवस पर बीएमसी प्रांगण में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व डीन डॉक्टर जी एस पटेल और अधिष्ठाता आर एस वर्मा मौजूद रहे। संगोष्ठी में पूर्व डीन डॉक्टर जी एस पटेल ने अपने अनुभव किए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सन 1962 में रीवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। लंबे अंतराल के बाद सागर में 2009 में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इस दौरान MCI की मान्यता के लिए कई परेशानियां आई, लेकिन बुंदेलखंड के रहवासियों और जनप्रतिनिधियों की मदद से BMC की नींव रखी गई। विभाग प्रभारी डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि कोरोना काल में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज नया मुकाम हासिल किया है और इंदौर भोपाल जैसी सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटलों को मात देकर मरीजों को उचित इलाज मुहैया कराया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। अपने तो अपने अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परिलक्षित करती है, आपको दर्शाती है कि हम डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार बोला वही बात सही है, राज्य सरकार तो है कि अपना इतनी नर्सिंग स्टाफ की कमी के बिना फैकल्टी जिससे अगर हम ग्वालियर की फैकल्टी, मेडिसिन फैकल्टी या सागर की फैकल्टी की बात करें तो सिर्फ हम वन थर्ड में काम कर रहे हैं, एक तिहाई में काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो भी हम एक तिहाई होंगे उन्होंने, लेकिन जैसे सिर्फ कोरोना का एग्जाम्पल है, सिर्फ कोरोना की बात है, तो अपन ने वहाँ से कम से कम 150 ज़्यादा पेशेंट एडमिट करें और ठीक करके भेजेंगे, और डेथ वाइज भी उनको भी डेथ आज के डेट में 9 से 10% है, अपनी इंस्टीट्यूशन डेथ 3 से 4% के बीच है। तो ये चीज़ें अपने लोगों के बीच में मैसेज आए कि अपने लोगों को अपन क्या कर रहे हैं, कहाँ रेस्टोरेंट करते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं स्थापना दिवस की बात मानता है कि अपन बताएं कि अपने का काम करना है। भविष्य में आपको क्या करना है, ये तो सबसे पहले स्थापना दिवस का लक्ष्य होना चाहिए। टीका अप्लाई किया था आपने तो उसमें दो चीज़ें मांगी थी, 8 ईयर्स का स्टडी होना चाहिए आपका और MCI से रिकॉग्नाइज। उसके बिना सीट इन्हांसमेंट का कंसिडर नहीं कर पाए एप्लीकेशन। तो मैं और डॉक्टर खालिदा थे वहाँ पे, तो उन्हें कहा कि कभी से आंसर नहीं होता तो 50, 100, 150, 200, 250 होता है, तो ये आप 100 से सीधे 250 में दर्द क्यों कर। तो हमने बोला था कि सर हमारे पास 150 की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली किसी कमी की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको भी देके 100 कर दिया, पर रिहाब है हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।